एप्पल संस्था पूरी दुनिया में 700 बिलियन डॉलर नेटवर्क टच करने वाला पहली संस्था है एप्पल। दूसरी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट 365 बिलियन डॉलर, तीसरी जगह पे गूगल, दूसरी और तीसरी स्थानों की जो संस्थाओं को मिलाएंगे तो तब बनेगा एप्पल। अमेरिका में जाएं, हर एक आदमी के हाथ में आप देखने को मिलेगा एप्पल। कैसे इतने सक्सेस ये संस्था की, ये संस्था की शुरुआत है इन्होंने किया स्टीव जॉब्स, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। और ये आदमी की सक्सेस की सीक्रेट क्या है, एप्पल जगरनॉट की सीक्रेट क्या है देखेंगे तो, ये क्या बेचता है, आईपॉड, आईपैड, आईफोन, मैकबुक, यही चीज बेचते हैं। बट ये बोलता है मैं वो नहीं बेचता हूं, ये क्या बोलते हैं, ये बेचते हैं अनुभव, अनुभूति। बोलते हैं एप्पल इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग, बेचते नहीं लाते हैं, क्या लाते हैं, द बेस्ट पर्सनल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस, जो कस्टमर के लिए एक अनुभूति, एक अनुभव। वो बोलते हैं हम कस्टमर को अनुभव लाने में, अनुभूति लाने में हमारी हमारा बिजनेस है, ये इनकी जो मिशन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट। कैसे हुआ क्या हुआ एक बात देखेंगे। एप्पल रिटेल स्टोर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर ऑन द प्लैनेट अर्थ, इस धरती पर मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल काउंटर, रिटेल शॉप क्या है बोलेंगे तो एप्पल रिटेल स्टोर। हाउ इज इट पॉसिबल, ये है एप्पल कस्टमर, कस्टमर देख लीजिए। ये आदमी 3200 मील खुद की पैसा डाल के एक रिटेल शॉप की 10th एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। क्यों, अगला दिन एक एप्पल की प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हो रहा है, मतलब पिछले ही रात में कई मीलों तक क्यू बन जाता है। मैं पहली आदमी हूं जो फोन खरीद लिया, फ्री में नहीं मिला, खरीदने के लिए भी मैं पहली आदमी हूं पूरा, क्योंकि उस दिन महंगा भी रहता, कुछ दिनों रहेंगे तो पैसा गिर जाता, फिर भी मैं जाके पहली दिन ले रहा है, मैं पहली बार ये फोन मेरे हाथ में होना है बोल के लोग ऐसे हर एक शॉप के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों, जब स्टीव जॉब्स ने मर गए हैं, उनको तो कैंसर आए थे, मर गए, हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में रोए थे, मेरी आंखों में भी आंसू आया था, और इतना सारे लोग उनको नोट्स भेजे हैं। क्यों 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 क्यों, क्योंकि वो लोग बोलते हैं वी आर एट बेस्ट व्हेन वी डिलीवर एनरिचिंग एक्सपीरियंस, मतलब अनुभूति, कस्टमर्स को कुछ अनुभूति देते हैं, कुछ अनुभव देते हैं, जब उनके पास जाएंगे, उनके शॉप में जाएंगे, वो रिटेल शॉप में जब जाते हैं तो कस्टमर की अनुभूति अलग होता है, वो जब बाहर आता है, खरीद के आओ बिना खरीद के भी बाहर आओ, उनकी अनुभूति बहुत सुंदर अनुभूति होता है, सुंदर अनुभूति होता है। एप्पल स्टोर एम्प्लॉय जब कस्टमर आते हैं, भैया हमारे प्रोडक्ट ये है वो है नहीं बोलेंगे, ये करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा बोल के कस्टमर के लाभ के बारे में बात करेंगे। सो इट इज नॉट वो खुद के बारे में, खुद की कंपनी के बारे में, खुद की प्रोडक्ट्स के बारे में बोलेंगे, उनकी फोकस बनेगा कस्टमर, कस्टमर की जरूरत, कस्टमर के क्या चाहते हैं, उनको क्या अच्छा दे सकता हूं, उनकी अनुभूति क्या है, उनके अनुभव मेरे शॉप से बाहर निकलने तक उनकी अनुभूति अच्छा होना चाहिए बोल के उनसे ऐसे बात करते हैं। जो आदमी खरीद के बाहर जाते हैं वो तो हमारे लिए भी खुश है, वो भी खुश है, और एक घंटा समय डालते हैं, बट बाद में वो कुछ नहीं खरीद के बाहर जाते हैं, वो आदमी अच्छा महसूस करके जाते हैं। जो बिना खरीद के बाहर जा रहे हैं, एक घंटा दो घंटे समय डालने के बाद जब वो आदमी बाहर जा रहे हैं, उनकी अनुभूति इतना अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे ये रिटेल शॉप के एम्प्लॉई बात करते हैं। हमारी जगह पे क्या होता है, अभी जाइए कोई सेलफोन खरीदने में, एक घंटा समय डाल दीजिए, खरीदने वाला है क्या तू, कैसे आदमी बात करने का आया, ऐसा अनुभूति मिलता है दोबारा कभी ये शॉप को मैं नहीं आऊं, क्योंकि एप्पल वाले को मालूम है ये आज का कस्टमर नहीं, ये हमारा फ्यूचर कस्टमर है, जो खरीद के गया उससे भी महत्वपूर्ण कस्टमर ये है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर कस्टमर है, भविष्य का कस्टमर है। आज के दिन उनके बजट से, उनके अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार हमारी प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे, अच्छी बात है, बट जल्दी से जल्दी ये आदमी हमारी प्रोडक्ट लेगा बोल के ऐसे बात करते हैं। तो यस,
बिल्डिंग रिलेशनशिप, उनकी बात बेचने में नहीं, उनकी बात बेचने में नहीं, उनकी बात ऐसा होगा एक रिश्ता बनाने में, एक संबंध बांधव्य कस्टमर से बनाने में होता है उनकी जो पूरी प्रयास, पूरी बातचीत। बेचना नहीं बेचना अलग बात है, हम और आपके बीच में जो संबंध है, जो बांधव्य है, वो मेरे को बहुत जरूरी है। देख लीजिए, देख लीजिए। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम डील कर रहे हैं लोगों से, हम डील कर रहे हैं लोगों से, और लोगों को भावना होते हैं, भावनाओं फीलिंग्स होते हैं। लोग भूल जाते हैं जो बात आप बोलते हैं, लोग भूल जाते हैं जो काम आप करते हैं, बट लोग नहीं भूल जाते हैं आप उन लोगों को कैसे महसूस दिलाते हैं, वो जैसे अनुभूति महसूस दिलाते हैं, वो कई सालों तक उनकी दिल में और दिमाग में रहने वाला। इसलिए हमको सोचना चाहिए जब लोगों से बात करें, मैं आदमी से बात कर रहा हूं, लोगों से बात करो, ये आदमी को कुछ भावना है, उनकी जो दिल है भावना होते हैं। इसी के अनुसार किसानों को भी वो भावना होते हैं, होता नहीं होता, होता है, वो दिल में रखे। सो हमको सोचना चाहिए, जब भी हमको बेचना नहीं प्रोडक्ट्स, हमको बेचना है अनुभूति, अच्छे अनुभूति को बेचना है।